झांसी ललितपुर लोकसभा चुनाव में जिसे कमजोर प्रत्याशी माना जा रहा था उसका नामांकन का आगाज शानदार तरीके से हुआ। अनुराग के समर्थन में प्रदेश के डिप्टी सीएम झांसी पहुंचे तो बसपा की अनुराधा शर्मा के अनुराग के मंच पर पहुंचने से गठबंधन खेमे में खलबली देखी गई। आज नामांकन का आखिरी दिन था जिसमें भाजपा के प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पहले मुक्ताकाशी मंच पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां पहुंचे थे जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। लेकिन वहीं उस वक्त राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई जब अनुराग शर्मा की छोटी मां और बसपा की दिग्गज नेत्री अनुराधा शर्मा भाजपा के मंच पर अपने भतीजे के समर्थन में आ गईं। उन्होंने मंच से घोषणा कर दी कि वह पार्टी के नियमों को ताक पर रखकर अपने भतीजों को जिताने के लिए यहां पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने मंच से प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में भी कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि एक माँ होने के नाते वह अनुराग को अपना आशीर्वाद देने आई हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग देश की बहुत बड़ी पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं और वह उनकी जीत की कामना करती हैं। लगा है वेदनाथ के संस्थापक मेरन परम आदरणीय माननीय ससुर जी ने भी समाज की सेवा हर रूप में करी, उनके पुत्रों ने भी सेवा करी और आज मुझे बहुत हर्ष है और मुझे बहुत गर्व भी है कि तीसरी पीढ़ी भी समाज की सेवा में आ गई है। एक माँ होने के नाते मैं अनुराग को आशीर्वाद देने आई हूँ, मैं सब चीज़ एक ताक पर रखकर अपने बेटे को आशीर्वाद देने आई हूँ। बहुत खुशी की बात है कि एक बहुत अच्छी पार्टी से अनुराग अपने राजनीतिक करियर का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे मंच से शुरुआत कर रहे हैं और जिस तरह आप सबका सहयोग है तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलेगी और ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा और हमारे घर की बहना परिवार की परंपरा समाज सेवा की आगे बढ़ती रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दो लाइन में बोलना चाहूँगी, जो लाइन सब कुछ कवर कर लेती है कि वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, इस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता क्योंकि इस मुल्क की सरहद के चौकीदार है मोदी। कभी महक बनकर फूलों पे उड़ते हैं, कभी महक बनकर फूलों पे उड़ते हैं, कभी धुआं बनकर पर्वतों पे उड़ते हैं। ये केंचिया खाक अनुराग को उड़ने से रोकेंगी क्योंकि वो हौसलों से उड़ते हैं। इसके बाद भाजपा की रैली में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा जिसमें भाजपा के ज्यादातर नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ आम जनमानस भी शामिल हुआ। इसके बाद अनुराग अपने प्रस्तावकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अनुराधा शर्मा का अनुराग के मंच पर पहुंचने से विरोधी खेमे में हलचल मच गई है। ऐसे में अब अगर अनुराधा अनुराग को समर्थन देंगी तो कहीं ना कहीं सपा प्रत्याशी कमजोर पड़ सकता है। ऐसे में गठबंधन पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं कि अगर बसपा के बड़े नेता दूसरे पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देंगे तो आम बसपा समर्थक सपा को कैसे वोट देगा। झांसी से मनीष अली के साथ विवेक दोहरे की रिपोर्ट।